दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे आप अपना फेसबुक अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ मोबाइल से कैसे चेंज कर सकते हो, और भी फेसबुक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है ये वाला एप्लीकेशन, इसमें आप कैसे चेंज कर सकते हो। ये प्रोसेस जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है, ए टू जेड आप देखिए तभी आप इसको कर पाएंगे, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो पहले आपको क्या करना होगा, फेसबुक एप्लीकेशन जो है इसको ओपन कर लेना होगा, जैसे कि मैंने ओपन कर लिया। देन राइट कॉर्नर में यहाँ पे जो ट्रिपल डॉट जैसा आइकन दिखाई देता है, ट्रिपल आइकन, इस पर आपको क्लिक करना होता है। देन नीचे में आपको आना होगा एंड यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप सेटिंग्स करेंगे अकाउंट सेटिंग्स, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। देन यहाँ पे सब लोग गलती क्या करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपको नीचे में आना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेसी सेटिंग्स, अब प्राइवेसी सेटिंग्स पे आपको बेसिकली जाना होगा। प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज योर प्रोफाइल, गो टू योर प्रोफाइल टू चेंज योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी, ये सर के सारी चीज़, बर्थ डेट, ये सब चीज़। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, अबाउट टैब यहाँ पे आएगा, देन आपको नीचे पे आना होगा, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस दिखाई देगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, जो डेट ऑफ बर्थ है इसके ऊपर आप देखेंगे बेसिक इन्फो, बेसिक इन्फो पे आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप बेसिक इन्फो पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ सबसे ऊपर आएगा एंड उसको चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, ये देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेरा आ चुका है। अब बर्थ जो डेट है इसको आप प्राइवेट भी कर सकते हो, ये राइट कॉर्नर में आप देख रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करके ये आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पब्लिक, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड्स एंड मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओनली मी भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ओनली मी आपने कर दिया तो आपका जो बर्थ डेट है वो किसी ने नहीं देख सकता है, बर्थ ईयर जो है वो देख सकता है। इसको भी आप यहाँ पे प्राइवेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मोर ऑप्शन पे ओनली मी कर दिया। देन इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बर्थ ईयर पे वहाँ पे उसको आप क्लिक कीजिए, बर्थ ईयर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे किसी भी बर्थ ईयर को आप चेंज कर लीजिए। देन बर्थ डेट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपल सा जो आइकॉन आपको दिखाई देता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि अप्रैल से मैं मे करूँगा तो यहाँ पे जो है ये हो चुका है, ये देखिए आई कन्फर्म दैट आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे मे है, मे को मैं जैसा था मैं ऐसा कर दिया। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये अभी चेंज नहीं हुआ है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मेल फीमेल मेन वोमेन सारी की सारी इंटरेस्टेड चीज़ सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, जो चीज़ आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो सिंपली सब चीज़ एडिट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के बाद नीचे में आप देखेंगे सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। तो मैं जो है एज इट इज़ रख दिया क्योंकि मेरे को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाने के लिए मैंने यह चीज़ दिखाया। तो आई होप वीडियो जो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, अगर आपको लगा वीडियो अच्छा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड आपका जो फ्रेंड्स है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग डिजिटल पंडित।